गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द चैनल मैवरिक गौरव। और आज हम लोग जा रहे हैं इंडस्ट्री विजिट पे, जो कि है डॉक्टर सी वी रमन यूनिवर्सिटी के तरफ से। और काफ़ी मज़ा आने वाला है, इसमें मज़ा भी आएगा, सीखने को भी मिलेगा। और ज्वाइन कीजिए और देखिए कि कैसा होता है। काफ़ी छोटा सा वीडियो होगा लेकिन काफ़ी अच्छा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफार्मर क्या होता है आप लोग तो जानते हैं। सर आपका शुभ नाम बता दीजिए सबसे पहले। आस्तिक नाम हुआ मेरा। थैंक यू सर। तो ट्रांसफार्मर जैसा है कि नाम से डिपेंड कर रहा है, ये ट्रांसफर करता है एनर्जी। एनर्जी को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सभी लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो हम कर क्या सकते हैं, बस उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। डेट्स वाई इसका नाम ट्रांसफार्मर है। ये क्या करता है कि एनर्जी का एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर करता है। जैसे हम लोग जो अभी यूज कर रहे हैं, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये 11 केवीए को आपको 440 में कन्वर्ट करेगा, 440 या 420 जो भी हो, ठीक है, या फिर 220। और एक होता है स्टेप डाउन, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो कि आपका पावर ग्रिड में यूज होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि आपको जैसे इन्वर्टर, जस्ट लाइक इन्वर्टर में क्या होता है ना कि आप बैटरी से 12 वोल्ट के बैटरी से सप्लाई देते हो, और आउटपुट आपका क्या आता है, एसी में आता है, जिसे आप अपने हाउस होल्ड को यूज करते हो। तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ठीक है, और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। थ्री मंथ में एल्युमिनियम का प्राइस आया था, आयरन का प्राइस आया था, तो ऑटोमेटिक बात है कि इसकी प्राइस हाई होगी, ठीक है। तो ये आईमा के जो रॉ मटेरियल का लिस्ट होता है, वहाँ पे जो प्राइस टैगिंग होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। इसकी करंट प्राइस क्या होगी? करंट प्राइस अभी गवर्नमेंट सप्लाई विथ GST आपका, विदाउट GST पड़ जाएगा 95 प्लस 18% GST 63 के लिए। ये टैंक बॉडी बोलिए, टैंक है, और मेन पार्ट्स आता है ये साइड से, जिसे हम लोग ST साइड बोलते हैं, ठीक है, या HP। कभी कभी ब्रेक हो जाता है, सेम तरह से कॉइलिंग यहाँ भी होता है, वो जलने के कारण, हिट होने के कारण, या फिर ओवरलोड के कारण ब्रेक हो जाता है, उसी को फॉल्ट बोलते हैं। ये जो मैंने आपको क्लिप दिखाया अभी, वो रुपसपुर करके एक ट्रांसफार्मर की फैक्ट्री है, वहाँ पे आया है। वो डॉक्टर सी वी रमन यूनिवर्सिटी के ही तरफ से आया है, और काफ़ी मतलब काफ़ी जानकारी की चीज़ें हमें बताई जा रही हैं। मतलब जैसा कि थोड़ा बहुत मैंने आपको दिखाया है, तो ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे मतलब होते रहते हैं हम लोग को टूर वगैरह पे, इंडस्ट्री टूर, या फिर मतलब जो वैकेशन टूर भी बोल सकते हो, ऐसे तौर पर भी ले जाया जाता है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास, मेरे पीछे बहुत सारे ट्रांसफार्मर हैं यहाँ, और मतलब काफ़ी अच्छा इंडस्ट्री है, मतलब ट्रांसफार्मर के लिए ये है। और सभी बच्चे जो आए हैं हमारे साथ, वो लोग अभी जानकारियां ले रहे हैं अभी, और हम थोड़ा सा आप लोगों के लिए वीडियो कर रहे हैं। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, ये तो है, और पटना की गर्मी तो क्या ही बताया भाई। अभी आते आते हम लोग को कुछ नाश्ता वगैरह मिला, फिर जाते टाइम भी कुछ लंच का व्यवस्था है। तो यही मतलब यूनिवर्सिटी के थ्रू ही है, तो बेसिकली ये मैनेजमेंट, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट वालों के लिए है, और अलग अलग स्ट्रीम के बच्चों को अलग अलग टूर पे ले जाया जाता है। तब ओके घूम सकते हो आप। वायर बनाने के लिए कोई भी मशीन है जो, जिसका यूज़ वायर बनाने के लिए होता है, बना के दिखाई, भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी तो मैं नहीं दिखा पाया। बूढ़ी औरत को सो रही है, चेहरा दिखाओ रे, हाय करो, हाय करो। ये हमारी माँ बनी थी एक प्ले में, वही है स्नेहा, हाय करो रे। वो मुंह दिखाने वो वायर बनाने के प्रोसेस को दिखाया जा रहा था, जो हमारे वहाँ मतलब यहाँ के जो मेन हेड हैं वो दिखा रहे हैं। दैट्स इट फॉर द डे। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कमेंट शेयर करिएगा।